हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र राठौर। चलिए आज की वीडियो में जो सीखने वाले हैं ट्रेंड, वो होम सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो। होम सेक्शन पिछले मेन्यू में हम लोगों ने सीखा था फॉर्मेट तक। अब अगला जो मेन्यू हम लोगों का है वो है हम लोगों का ऑटो सम। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इसका टोटल अमाउंट टोटल निकालना, टोटल मार्क्स निकालना है इसका, जो कुछ स्टूडेंट का मार्क्सशीट है जैसे इसका टोटल निकालना है। तो एक तरीका है, यहाँ पे एक फॉर्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हो, इक्वल टू सम, सॉरी सम, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर आपको वो सेल लेना जहाँ से आप काउंट करना चाहो, तो फिर यहाँ पे डबल कॉलन डाल करके, और फिर जहाँ तक आप करना चाहो तो वहाँ तक, फिर ब्रैकेट ओपन ऑफ करके और प्रेस एंटर कर दोगे, तब पर भी ये सम निकल जाएगा। यही काम हम इसे फिर डिलीट कर देते हैं इस अमाउंट को। अब यही काम हम इस ऑप्शन के थ्रू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऑटो सम पे क्लिक करते हो, फिर आपको एक रेंज सेलेक्ट करना होता है जहाँ से आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो मैं माउस को होल्ड करके मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, तो प्रॉपर वे में मेरा रेंज सेलेक्ट हो गया। फिर एंटर जैसे प्रेस करूंगा तो इसका टोटल टोटल आने के बाद इसको आप ड्रैग कर दो, ये खुद पे खुद आ जाएगा, आ गया। अगर नहीं, एक तरीका और है, उस पूरे सेल को आप सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल डी दबा दो। जैसे कंट्रोल डी प्रेस करोगे इसका टोटल खुद पे खुद सबका आ जाएगा। अगला हमारा एवरेज, इसी के अंदर एवरेज भी निकाल सकते हैं हम। तो एवरेज भी निकालना हो तो आप इसके अंदर एवरेज निकाल सकते हो। तो मुझे मार्क्स का एवरेज निकालना है, फिर उसी तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे काउंट नंबर भी कर सकते हैं। यहाँ पे गए काउंट नंबर, फिर यहाँ पे मैं काउंट नंबर, फिर एरिया सेलेक्ट, आपको एरिया मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा काउंट नंबर। यहाँ पे इसके बाद मैक्सिमम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क कितना है, ठीक है, मैक्सिमम। और फिर से आप एरिया सेलेक्ट कर लो प्रॉपर वे में। अब यहाँ पे मैक्सिमम एंटर, मैक्सिमम बता दिया। फिर मिनिमम आप निकाल सकते हो यहीं से, मिनिमम। फिर आप अपना एरिया प्रॉपर वे में सेलेक्ट करो फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर वे में अपना एरिया सेलेक्ट, फिर एंटर। तो इसी तरीके से आप ऑप्शन के जरिए मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, टोटल, ये सब सारा निकाल सकते हो। फिर आपको पूरे सेल को सेलेक्ट कर दो और कंट्रोल डी दबा दो, सबका निकल जाएगा फ्रेंड। पूरे सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, पूरे सेल को सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा देना आपको, ये खुद पे खुद सारा का सारा आ जाएगा। इस तरीके से आप सारा कैलकुलेशन कर सकते हो। अगला है हमारा फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन में जो मेन जो हम देखने वाले हैं वो एक्यूरेस्ट वर्कशीट। एक्यूरेस्ट वर्कशीट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सेल का डेटा मुझे दूसरे सेल में ले जाना है, तो आपको क्या करना है, जिस सेल में ले जाना चाहते हो, ये हमारा सीट नंबर 2 में, हम 3 ले लेते हैं फोर। अब फोर नंबर में मुझे ले जाना है अपने डेटा को, तो सबसे पहले 2 नंबर में था मेरा डेटा, तो कंट्रोल के साथ आपको फोर नंबर सीट पे क्लिक करना है। जैसे कंट्रोल बटन को एक उंगली से दबा के रखें, फिर उस पर सीट नंबर 4 पे क्लिक किए। जब आपका प्रॉपर वे में 4 नंबर सीट सेलेक्ट हो जाएगा, तो एक्यूरेस्ट वर्कशीट आपका हाईलाइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऑल कंटेंट ले जाना चाहते हो आप, ऑल, यस ऑल ले जाना चाहता हूँ, फिर उसको आपको ओके कर देना। सेलेक्ट नहीं था फ्रेंड, इसके लिए आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं जितना डेटा आपको ले जाना है उतना आप सेलेक्ट कर लो, मेरे को इतना डेटा ले जाना, सेलेक्ट कर लिया। फिर फिल में गया और एक्यूरेस्ट वर्कशीट पर क्लिक कर दिया, ऑल, यस। अब देख सकते हो आप फोन नंबर में, अब आकर के देखो फोन नंबर में आ गया है हमारा वही डेटा जितना मैंने सेलेक्शन किया था, और वही डेटा मेरा 2 नंबर में भी है। तो अब डेटा को मूव करा सकते हो, एक सेल से दूसरे सेल में ले जा सकते हो आप। अगला है हमारा सीरीज। सीरीज का मतलब क्या, जैसे कि 1 2 3 4 लिखना रहता है, जैसे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ठीक है। तो एक तरीका होता है, हम ड्रैग करके भी ये काम कर सकते हैं। ये 1 2 को आपको क्या करना है, एक साथ सेलेक्ट करके और यहाँ पे पकड़ के माउस को होल्ड करके ड्रैग कर दो, उतना तक खुद बे खुद लिखा जाएगा। यही काम हम सीरीज ऑप्शन के जरिए भी कर सकते हैं। फर्स्ट कर्सर आपको फर्स्ट लाइन में रखना है, फिर आपको आना है फिल में आना है, और यहाँ पे सीरीज में आना है। फिर जहाँ से भी लिखना हो आपको, वहाँ से कितना, 1 से लेके कितना तक लिखना, हमें 100 तक लिखना है, तो 100 यहाँ डाल दो, ठीक है फ्रेंड। एक मिनट, उसके लिए आपको रो को पूरे को मैं सेलेक्ट कर लिया, और फिर चले गए हम फिल, और यहाँ पे सीरीज। अब इसके बाद 1 से लेके 100 तक लिखना है मुझे, 100 तक डाल दिए, ओके। लेकिन आया नहीं फ्रेंड, एक मिनट फ्रेंड, सीरीज 1 से ले, कॉलम था फ्रेंड इसलिए, अच्छा कॉलम ही है, कॉलम, और यहाँ से लेके 20 तक, ओके। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा, 1 इसमें डाल दिया मैं, फर्स्ट वाले में 1 लिख दिया। फिर इसके बाद देखता हूँ फिल सीरीज 1 से लेके 100, ओके। अब देख सकते हो फर्स्ट वाले में हमें 1 लिखना पड़ता है, इसके बाद जाके वो सीरीज आता है। अब वो 100 तक खुद पे खुद लिख लिया उसने,
ठीक है, तो सीरीज ऑप्शन के थ्रू। अब अगला है, जैसे हमें संडे लिखना होता है तो SUNDAY लिख देते हैं हम, ठीक है संडे। इसके बाद जैसे आप इसे ट्रैक करोगे तो ये संडे मंडे खुद पे लिख के आ जाएगा। जैसे जनवरी लिखना है तो हम JN लिख देते हैं, फिर इसको जैसे ट्रैक करोगे तो ये जनवरी फरवरी पूरे लिख के आपको आ जाएगा। तो इसी को हम लोग सीरीज कहते हैं। अगला है हम लोग का क्लियर। अब क्लियर से क्या होता है, क्लियर में जैसे क्लियर ऑल है तो सारा डेटा आपका मिट जाएगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे गया और यहाँ पे कर दिया मैं क्लियर ऑल, तो ये पूरे डेटा मिट गया जितना हमने सिलेक्शन किया था। इसके बाद है अगला है क्लियर फॉर्मेट। अब क्लियर फॉर्मेट मतलब क्या होता है, जो ये आपका डिज़ाइन है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे आपका डेटा सिंपल होना चाहिए तो सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे गया क्लियर और फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया मैंने, ये देखो क्लियर फॉर्मेट, इसका डिज़ाइन हट गया। फिर मैं कंट्रोल जेड से वापस ले आता हूँ डिज़ाइन, तो क्लियर था यहाँ पे हमारा। अगला है हमारा फिल्टर। अब फिल्टर के जरिए आप क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन लगा सकते हो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो फिल्टर ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, मैं दूसरे प्रोजेक्ट में देखता हूँ, जैसे इसमें तो प्रोजेक्ट है नहीं। अब यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट को सिंपली सा ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ये है हमारा, अब इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट पे हम फिल्ट्रेशन ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए अपने डेटा को, फिर यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक किए। अब यहाँ पे है A to Z या Z to A, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब ए से जो वर्ड हो वो ऊपर चला जाए वो नीचे आ जाए। तो जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं सिलेक्शन, अब असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ पे फिल्ट्रेशन में कर सकते हैं, ए से जो हो ऊपर चला जाए, फिर डिसेंडिंग में A to Z या Z to A, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिल्टर आप लगा सकते हो, जितना एरिया में आपको फिल्ट्रेशन लगाना है उतना एरिया में आप सेलेक्ट करके और यहाँ फिल्टर में जाओ और फिल्ट्रेशन पे क्लिक कर दो आप। अब यहाँ पे देख सकते हो फिल्टर लग गया है फ्रेंड। अब जिसको आप इसे हाइड करना चाहते, जैसे हम यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप हम नहीं दिखाना चाहते, तो ये लैपटॉप हमारा हाइड हो गया इसमें से प्रोडक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक कर देंगे तो लैपटॉप हमारा दिखने लगेगा। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट को किसे हमें हाइड करना है, किसे हाइड करना, देख सकते हो लैपटॉप फिर से दिखने लगा। तो फिल्ट्रेशन ऑप्शन के जरिए आसानी में छान सकते हो आप, मतलब फिल्ट्रेशन कर सकते हो अपने डेटा को। फिर अगला है हमारा फाइंड। फाइंड के जरिए हम कोई भी वर्ड सेंटेंस को खोज सकते हैं। सपोज डेट इसमें से लॉक्स हम ढूंढना है कि लॉक्स इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे आप फाइंड नेक्स्ट करोगे देखो कर्सर कहीं पे भी रहे आपका वहीं पर चला जाएगा, देखो फिर वहीं से सेलेक्ट हो गया। तो फाइंड के जरिए कोई भी वर्ड को सेंटेंस को खोज सकते हैं। इसके बाद है अगला हमारा रिप्लेस। रिप्लेस के जरिए हम लोग कुछ बदल सकते, जैसे लॉक्स को बदलना है हमें, ठीक है, लॉक्स को सपोज डेट लॉक्स को बदल देना है कोई और सेंटेंस में, लॉक्स की जगह पर हम पेन लिख देते हैं, पेन आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं। जैसे रिप्लेस करेंगे आप देख सकते हो जहाँ पे लॉक्स था हमारा वहाँ पे पेन हो चुका है, ठीक है। या अब हम पेन को बदल देना चाहते हैं, पेन को बदल देना चाहते हैं लॉक्स में, और उसे रिप्लेस कर देते हैं। वो हो गया मेरा रिप्लेस। रिप्लेस मतलब बदलना, किसी भी वर्ड को सेंटेंस को पुराने वर्ड को बदल कर नए वर्ड उसके जगह पे रख सकते हो आप। इसके बाद है अगला हमारा गो टू। जिस सेल में आप जाना चाहते हो उस सेल का एड्रेस लिखो। जैसे मैं B6 में जाना है, जैसे B6 लिख करके ओके करोगे आप B6 में, देखो फ्रेंड पहुंच गए हम, कहीं पे भी मेरा सेल रहे। अब यहाँ पे गए हम, सॉरी गो टू, अब यहाँ पे हमें जैसे लिखना है, लिख दिया हम B9, ठीक है, हम ओके, जैसे कि देखो B9 में आ गए हम, ठीक है। तो इस तरीके से आप गो टू से जा सकते हो। इसी तरीके से गो टू स्पेशल अगला है फार्मूला है, जो यहाँ पे मतलब इसमें कौन कौन से फार्मूला यूज़ हुआ है तो सब आप देख सकते हो। फार्मूला पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये फार्मूला ऊपर में फार्मूला बार में बता देगा कि कहाँ कहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है। जैसे कर्सर कहीं पे भी रहेगा वो आपको बता देगा ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ सब पे, ये देखो फार्मूला वाला एरिया हमारा सेलेक्ट हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। अगला है कमेंट है, जो कमेंट अगर इस वर्ड में हुआ रहेगा तो बता देगा आपको, इसके अंदर अभी कमेंट नहीं हुआ, जो अगले मेनू में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कमेंट रिव्यू सेक्शन में जब पढ़ेंगे तब जाके होगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जो हमने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया था, ये सब अप्लाई रहेगा तो आपको बताएगा। इसके बाद है डेटा वैलिडेशन, ये सब आपका इसके ऊपर प्रोजेक्ट ऊपर अप्लाई रहेगा तो बता देगा कहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाया गया है, कहाँ पे फार्मूला लगाया है, कहाँ पे कमेंट किया गया है। तो ये सब सारा फ्रेंड आप आसानी में एक एक ऑप्शन को यूज़ करके देख सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब।